जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज 23 जनवरी है एंड हमारे कंट्री के ग्रेटेस्ट लीडर की जन्मदिन है, द ग्रेट मैन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर वो नहीं होते तो शायद अमेरिकन से इतने जल्दी हमको आजादी नहीं मिलते। नाउ दोस्तों, आज आपके सामने पेश किया जा रही है बहुत ही स्पेशल खास मेहमान को, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इसी चैनल पे एंड इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू या फिर चाहे साउंड क्वालिटी एवरीथिंग इससे पहले मैंने नहीं अपलोड किया हो एंड नहीं भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, अगर आपको पसंद आता है लाइक कर देना। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, कुछ सोनी MSC RV6 इसका मॉडल नंबर है एंड ये द मोस्ट डिमांडिंग कॉम्पैक्ट हाईफाई सिस्टम आप कह सकते हैं। और इसका जो साउंड क्वालिटी है, अगर आप आज के डेट में जितने भी सारे आपको होम थिएटर या फिर साउंड बार देखने को मिलती है, अगर उसके साथ आप मार्केट पे जाकर कंपेयर करते हो ना, तो जो साउंड क्वालिटी इसका ऑडियो आउटपुट है वो बेहतरीन है एंड वो इसका आसपास भी नहीं घिस सकते। नाउ जो सिस्टम आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन पे, क्योंकि जब मैंने इसका जो ओनर है ओनर के घर पे गया था तो बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से इसको रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था एंड थोड़े बहुत धूल मिट्टी थी उसको मैंने साफ किया फिर जाके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम है 4.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, तो एक बार काफी सारा कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि जो हमारा नॉर्मल 4-in-1 सिस्टम होता है उसी प्रकार का, नहीं जी ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो होम थिएटर होता है वो ब्रांड हमको चुतिया माना है, यानी कि वो 2.1 ही होता है, दो एक्स्ट्रा स्पीकर जोड़ देते हैं, वहाँ पर कोई भी सराउंड स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलते। बट ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, दो सराउंड एंड दो फ्रंट दिए गए, तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी का मामला है थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन कंट्रोलर दे रखे हैं मिडिल पर आप देख रहे हो, वही इसका एम्पलीफायर सेक्शन है, या कह सकते हैं जो मेन इसका मैकेनिज्म है वही है। तो यहाँ पर में सोनी का चमकता आइकॉनिक ब्रांडिंग आपको मिल जाता है, वीडियो सीडी लिखा हुआ है, यहाँ पर 3D चेंजर है, ठीक है, साथ ही साथ MSC RV6 का जो मॉडल का बैजिंग है वो आपको मिल जाता है। दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर तीनों सीडी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था तब तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, इंटरनेट होता था बट आम लोगों के लिए इंटरनेट उपलब्ध नहीं होते थे एंड गाना सुनने के लिए ना तो USB होता था और ना ही ब्लूटूथ मिलता था, तो इसलिए यहाँ पर सीडियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। साथ साथ जो टेप कैसेट होता है वो भी आपको यहाँ पर सिस्टम मिल जाता है, उसको लोड करने के लिए जो सेक्शन है मिल जाते हैं रीड करने के लिए बेसिकली। तो डिस्प्ले में आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जरूरत है जो जो चीज आपको मिलना चाहिए सारे कुछ है। तो यहाँ पर दो साइड में आप देख रहे हैं, दो साइड का जो सेक्शन यानी कि लेफ्ट और राइट कुछ बॉटम्स दे रखे, तो एक बार ओवरऑल आपका लुक दिखा देता हूँ, ठीक है। पर आपको मिल जाते हैं। नाउ राइट साइड पे जो दे रखे DS1, 2 एंड 3 का तीनों बॉटम्स आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको स्किप एंड चेंज करने के लिए दो दो बॉटम्स दे रखे हैं एंड क्लोज करने के लिए भी, यानी कि जो डिस है उसको क्लोज करने के लिए ओपन बंद करने के लिए एक बटन है एंड नीचे एक वॉल्यूम नॉब दिया गया है बड़ा सा, तो जिसके जरिए आप वॉल्यूम को घटाना बढ़ाना वो सारे कुछ आप कर सकते हैं। नाउ जो मेन कंसोल है वहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलते हैं, चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स ब्रांड ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे म्यूजिक EQ है, फंक्शन साउंड मिडिल पे आपको 4 जोन बॉटम्स मिल जाते हैं, रिमोट गिटार है, तो मूवी EQ सेंटर बॉटम्स भी है, बी फाइलें, CD सेंड, पॉज, स्टार्ट, रिकॉर्ड, बहुत सारे बॉटम्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो अंडर सेक्शन पे क्या है, सॉन्ग्स को आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, प्ले पॉज भी कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट में जो सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ बॉटम्स है, नेक्स्ट है CD है, ट्यूनर है ब्रांड FM के लिए, यहाँ पर टेप भी आते हैं इसलिए AV ऑप्शंस भी दे रखे है एंड वीडियो गेम के लिए भी एक कंट्रोलर दे रखे है, तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं एंड जो इनपुट्स मिल जाते हैं डिस्प्ले में, वीडियो के लिए एक इनपुट दे रखे और गेम के लिए भी दे रखे। तो वीडियो इनपुट के साथ और क्या मिल जाते हैं, अच्छा जो RCA इनपुट सॉकेट है इनपुट देने के लिए वो भी मिल जाते हैं, तो आप अपना स्मार्टफोन से या फिर लैपटॉप से डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं। एक माइक्रोफोन ऑप्शन दे रखे फॉर कैरियो की, तो उसका लेवल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड प्ले हो रहे हैं उसका भी एक गेन दे रखे है घटाना बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो डिस्प्ले का ऑप्शन है रीड करने के लिए, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑटो प्ले एंड एक है ए सेक्शन, दूसरा जो है बी सेक्शन, साथ साथ ये ऑटो रिवर्स सपोर्ट भी करते हैं। बेसिकली ये 3300 PM प्योर लिंक मोड के साथ आते हैं, VCD सराउंड बोर्ड है, RW प्लेबैक, CDR रीड भी ग्रुप प्लेबैक के सपोर्ट के साथ आते हैं। दोस्तों जो 4 स्पीकर है दे रखे आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो जो दो बड़े बड़े है वो बेसिकली फ्रंट स्पीकर है, फ्रंट स्पीकर के साथ ही नीचे जो आप स्पीकर देख रहे हैं वो बेसिकली सब ऊपर है, यानी कि दो आपको सब ऊपर मिल जाते हैं एंड जो बाकी के दो स्पीकर आप मिडिल पे देख रहे हो बेसिकली सराउंड स्पीकर है।
कभी बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर से एक बार देख लीजिए। नाउ लेट मी शो पीछे के आपको इस बार देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल ही वुडन फिनिश के साथ ये सिस्टम आते हैं। जो स्पीकर दे रखी है फ्रंट राइट है एंड जो इसके इम्पीडेंस है 6 ओम है, काफी पावरफुल स्पीकर है एंड सीरियल नंबर बाय सोनी कॉर्पोरेशन। दूसरा वाला जो 24 ओम्स का है, ये 24 ओम्स का इसलिए क्योंकि हाई पार्ट है, सराउंड वाला है, तो इसलिए यहाँ पर ओम्स काफी ज्यादा है। नाउ इसका जो मेन चीज है यानी कि जो एम्पलीफायर सेक्शन है 220 वोल्ट 50 एम बाई 60 हर्ज है। पीछे वीडियो आउट के लिए आउटपुट दे रखे मिल जाते हैं। ओहो देख रहे फैन का सेक्शन देख रहे, ये काफी ज्यादा रेयर चीज है, बाहर की तरह उबला हुआ आता है। तो ज्यादातर जो कॉम्पैक्ट सिस्टम होते हैं अंदर की तरह होते हैं, पीछे प्लास्टिक का कॉम्पोनेंट्स नहीं होते, ओवर मेटल के होते हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है ब्रांड ने एंड वीडियो इनपुट का आरसीएस सॉकेट है एंड एक्स्ट्रा इंडिविजुअल स्पीकर आउटपुट यहाँ पर आप लगा सकते हैं एंड दो साइड पे जितने भी लाइन मैंने करी हुई है, ये जो चार स्पीकर है उसको मैंने यहाँ पर इनपुट दे रखे। नीचे जो स्पीकर जो सर में आपको देखने को मिल जाएगा लाइन है और बाकी लेफ्ट का जो सीरियल नंबर है लेफ्ट स्पीकर है सराउंड है वो तो सेम जैसे ही है। नाउ दोस्तों ऑन करके दिखा देता हूँ, हमारे सिस्टम अब ऑन हो चुकी है। एक आपको जरूरत बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब भी आप इसी तरीके का कोई भी कॉम्प्रेस सिस्टम को खरीदते हो ऑन करने के वक्त में थोड़ा वो टाइम दीजिए, रुक जाइए, क्योंकि तीनों डिस्प्ले है टाइम लेता है, खुद से ही टाइम लेता है, खुद से ये रीड करके जब ये देखता है कोई भी ये पर कैसे नहीं है डिस नहीं है, ये जो स्टैंड बाई ऑप्शन है ऊपर ये फिर से आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वेट करना। एंड वॉल्यूम बढ़ गया है, मैं रिमोट से कंट्रोल करता हूँ, आप डिस्प्ले में ध्यान देगा जो वॉल्यूम है बढ़ गया है, म्यूट सिटी टेप एपी ट्यूनर एफएम वॉल्यूम मीट सारा कुछ ये ऑन कंडीशन में है। एंड फिजिकल बटन से पर प्रेस करके देखा देता हूँ, जो ग्रुप ऑफ है मीट ग्रुप ऑन है, मिक्सिंग लो मिक्सिंग हाई मीट हाई, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और मूव इक्यू का जो बटन से वहाँ पर अलग अलग ऑडियो स्पीसेट्स आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जो एक्शन है लिंग है मैट्रिक्स है सराउंड, यानी कि मूवीज के लिए बड़े इफेक्ट्स वगैरह आपको सुनाई देने वाला है। एंड यहाँ पर जो लो हाइट मी है तो इक्यू का भी जो डेसिबल है आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस का भी को ऑप्शंस मिल जाते हैं। नाउ दोस्तों बढ़िया जाते साउंड डिस्क की, तो बिफोर स्टार्ट आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, मेरा फोन से रिकॉर्ड हो रही है ठीक है, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, आप अपना हेडफोन का इस्तेमाल करना एंड विदाउट यूजिंग एनी इक्वलाइजर, नहीं तो आपको इसका एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी नहीं पता लगने वाला है। तो आप दोस्तों एंजॉय करें, एंजॉय। नाउ मैं मोड चेंज कर रहा हूँ तो ध्यान से एक्सपीरियंस करना। Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. We'll be right back.
तो कैसी लगी आपको साउंड टेस्ट ओवरऑल प्रोडक्ट का एंड इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको जानकर? तो देखिए, मैं आपको दावे के साथ ये चीज बता सकता हूँ, अगर आप इसी तरीके का कोई सिस्टम आपको मिलता है कम प्राइस रेंज के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसको खरीद लीजिए, होम थिएटर को छोड़ दीजिए, क्योंकि होम थिएटर का जो क्वालिटी होता है वो 20-25 हज़ार में आपको नहीं मिलता है। प्रॉपर होम थिएटर एक एवरी सिल्वर के साथ ही होता है, नहीं तो हाई एंड जो होता है, जैसे कि एक क्या होता है ना, जो साउंड बार है, साउंड बार के अंदर अगर आपको होम थिएटर का सिस्टम चाहिए, ओनली एक ब्रांड को मैं प्रेफर कर सकता हूँ, नाकामी चाहिए, बहुत ही महंगे होते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए ये जो कॉम्पैक्ट सिस्टम है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, आप आउटडोर इंडोर सारे कुछ आप बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है, चाहे साउंड क्वालिटी हो, बेस क्वालिटी हो, लाउडनेस हो, ओवरऑल ये होम थिएटर से कहीं ज्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, जो हमारा जितने सारे होम थिएटर हम देखते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग आपने सुने वो मेरा माइक्रोफोन के थ्रू हुआ है, कोई प्रोफेशनल माइक्रोफोन नहीं है, फोन का जो माइक्रोफोन है, इसलिए ऑडियो लॉस तो होंगे ही होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। फिर आप अपना डिवाइस से सुन रहे हो, यूट्यूब से जब अपलोड होती है कोई भी वीडियो, वहां पर भी कॉम्प्रेस हो जाती है। तो एक ह्यूमन ईयर जैसे आपको मैं कभी भी ऑडियो नहीं सुना सकता, तो आपको एक खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ड्रॉप ए कमेंट्स फॉर मी, मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हो। दोस्तों, अलविदा, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।